बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताने जा रहे हैं ईद के खाने की तैयारी, दो दिन पहले से हम किस तरीके से करें, जिसके लिए हमने मसाले विसाले तो सब तैयार करके रखते ही है, लेकिन बाकी दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम बताने वाले हैं किस तरीके से करना, क्योंकि हम ईद में बहुत मसरूफ़ रहते हैं तैयार होने में, मेहमानों को सर्व करने में, जिसमें हमें खाना पकाने को सही से वक्त नहीं मिलता या बहुत वक्त हो जाता है पकाने में। इसलिए हम आज बताने वाले हैं हम क्या करना जो हमारा खाना पकाना उस वक्त बहुत इजी हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्याज हमने कतर के रखी है उसका बिरिस्ता बना लेंगे, जिससे हम कोरमा भी बना सकते हैं और बिरयानी के लिए भी यूज़ हो सकती है, दोनों चीज़ों प्याज के। इसके लिए हमने प्याज का बिरिस्ता बनाने के लिए रख दिए है। हमारा बिरिस्ता जब तक तैयार हो रहा है जब तक हम मसाले पीस लेंगे। ये हमने अदरक लहसुन लिए हैं पीसने के लिए, और ये हरा मसाला है। हरा मसाला आप बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिकन बनाएंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें हमने लिए है अदरक लहसुन मिर्ची कोथमीर और जीरा। हम अलग से गरम मसाला तो पीस के रखते ही है जो ऊपर से डालने के लिए, और ये अदरक लहसुन है जो आप कौरमे में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये मसालों को मिक्सी में पीस के निकाल लेंगे। गोल्डन बिरिस्ता हमारा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे, और अगर ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे तो करवापना आता है इसमें, उस तरीके से गोल्डन निकालने का। हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं पीस के, अभी हम बताएंगे कोथमीर और पुदीने को कैसे स्टोर करें। मैंने कोथमीर को धो के छन्नी में पानी छानने के लिए रख दी थी, इसका पानी अच्छे से छन चुका है। अभी हम इसको बारीक कतर लेंगे, अच्छे से काट लेंगे इसको बारीक तरीके से, एयर टाइट कैरी बैग्स में हम इसको स्टोर कर लेंगे इस तरीके से डाल के। इसमें से हम अच्छे से हवा निकाल के इसको अच्छे से हम पैक कर लेंगे। पुदीने को मैंने अच्छे से धो के इसको छन्नी में ड्राई करने के लिए रख दी हूँ, मैंने ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं। अब मैं इसमें इसको एयर टाइट कैरी बैग में पैक कर लूँगी। आप चाहे तो इसको कतर के भी डाल सकते हैं, मैं इसको साबित डाल रही हूँ क्योंकि बिरयानी में डालने में सजाने में अच्छे लगते हैं साबित। हम टमाटर को भी इस तरीके से काट के स्टोरेज कर रहे हैं, ये सऊदी अरब की ट्रिक है, वहाँ पे इस तरीके से हम स्टोर करके रखते थे। आप ये ना सोचें कि इसका फ्रीजर में इस तरीके से रखने से इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, बल्कि और इसका ये फ़ायदा है कि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। आप इसको फ्रीजर में से निकालिए और थोड़ा देर रखने के बाद आप इसको ऑयल में डालिए, देखिए आपके टमाटर कितने जल्दी गल जाते हैं। आप बस इस तरीके से पैक करके इसको फ्रीजर में रखिए, और जब आपको लगे आप निकाल के इसको यूज़ कीजिए। कुछ देर पहले निकाल दीजिए यूज़ करने से। चिकन को भी स्टोर करने का हम बता रहे हैं, चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है इसको दो से तीन पानी में, और इसको अभी हम मसाले लगाएंगे। ईद के दिन ऐसा होता है कि बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें चिकन वॉश करना धोना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैं दो दिन पहले से ही चिकन को धो के और सारे मसाले लगा के फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ। इस चिकन में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, पेट की लाल मिर्च पाउडर, ये बिरयानी में, चिकन कोरमे में और चिकन कंटाकी में, तीनों में ये चिकन काम आ सकती है। हाँ, आपको अगर ग्रीन चिकन बनानी है तो आप लाल मसाले को नहीं डालना। और ये डाल रही हूँ मैं नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। ईद में पकने वाले खाने की तैयारी हमारी दो दिन पहले से ही हो चुकी है, जिसमें हरा मसाला, अदरक लहसुन, टमाटर कटिंग करके, कोथमीर, पुदीना, बिरिस्ता और चिकन धो के मसाला लगा के तैयार हो चुका है, जिसमें टमाटर और चिकन को फ्रीजर में रखना है और बिरिस्ते को एक कैरी बैग में पैक करके बाहर भी रख सकते हैं आप आराम से, और कोथमीर, पुदीना और हरा मसाला और अदरक लहसुन को फ्रीज में रखिए।
चिकन को इस तरीके से हमने मसाला लगा के इसको फ्रीजर में रखेंगे। आपको जब इसको पकाना है आप कुछ देर पहले निकाल दीजिएगा, और आपको जो भी रेसिपी पकाना है, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, चिकन कंटाकी, अगर आपको चिकन कंटाकी बनाना है तो इसमें 2 अंडे डालिए, हरा मसाला जो पिसा हुआ है वो डालिए, और कॉर्नफ्लोर डालिए, और आपको अगर चाहिए तो चिकन कंटाकी मसाला भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाले तो भी चल सकता है, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और डाल दीजिएगा, और इसको फ्राई कीजिए, आपकी चिकन कंटाकी तैयार हो जाती है। फिर है, अगर आपको इससे बिरयानी बनाना है तो आप इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले ऑयल में आपका जो टमाटर है जो आपने फ्रीजर में रखे हैं उसको आप ऑयल में डालिए, उसको अच्छे से भूनने दीजिए। फिर इसमें थोड़ा अदरक लहसुन हरा मसाला जितना आपको चाहिए, हाफ चिकन का बना रहे हैं या फुल चिकन का बना रहे हैं उस हिसाब से आप अदरक लहसुन हरा मसाला डालिए, उसको अच्छे से भून लीजिए। फिर इसमें आप बिरिस्ते को दही में मिला के उसको उस मसाले में डाल के चिकन डाल के अच्छे से भूनिए, और फिर इस पर हरी मिर्ची अक्की कतर के, हरा कोतमीर, हरा पुदीना डाल के अच्छे से भूनिए। और अगर आपको लगता है तो इसमें बिरयानी मसाले आते हैं अलग अलग ब्रांड के, उसको डाल के आप उसको अच्छे से भून के, और चावल अलग से उबाल के उसमें तेल लगा के आपकी बिरयानी तैयार। और अगर आपको चिकन कोरमा बनाना है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जिस तरीके से आपने बिरयानी के मसाले डाले उसी तरीके से मसाले डालिए, बस दही में आप उसको काजू पीस दीजिए और उसको लास्ट में मिक्स करके आपका चिकन कोरमा भी तैयार। ईद में झटपट बनने वाली तीनों रेसिपीज, चिकन कोरमा, चिकन कंटाकी, चिकन बिरयानी की तैयारी हमने 2 दिन पहले से कर ली है। ये आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।